रोजगार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं दरभंगा मुजफ्फरपुर फोर लेन रोड के पास। डिटेल बता देंगे, हमारे साथ इमाम साहब हैं जो एक सफल बकरी पालक हैं। इनसे हम जानेंगे कि बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है, ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट होता है, कैसे ये लोग किस काम को कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इमाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका भी स्वागत है हमारे फार्म में आने के लिए, और अच्छी अच्छी वीडियो दिखा करके किसान को सक्सेस कराने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है सर। ये अल्लाह आप इस आपकी इस मुहिम को कबूल करे। सर, ये आपका बड़प्पन है? बड़प्पन नहीं है, चलिए खैर। सर इमाम साहब जी, हमको एक चीज जानना है। जी बिल्कुल। जैसे आप बकरी की फार्मिंग कर रहे हैं, काफी बकरियाँ आपके पास है, बिल्कुल, मुनाफा क्या होगा वो तो हम जानेंगे ही। जी, जी जी। और नए लोग को क्या करना होगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी। लेकिन अभी फिलहाल हम ये जानेंगे कि ट्रेनिंग जी कितना जरूरी है एक नए बकरी पालक के लिए। अब जस्ट लाइक आप समझ लीजिए कि आप खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं कि जी पानी छोड़ देते हैं? जी बिल्कुल पीते हैं। तो पानी क्यों पीते हैं? प्यास बुझने के लिए। बुझने के लिए। तो कामयाबी करना है तो आपको ट्रेनिंग लेना होगा। अच्छा, बिना कामयाबी की आप डॉक्टर बन जाइएगा, डिग्री आपके पास रहेगा नहीं तो आपका झोला छाप में रहिएगा, उसमें आपको तरक्की नहीं हो पाएगा। तो ट्रेनिंग आपको हर सूरत में करना पड़ेगा। कितना बदल देता है आपकी सोच को ट्रेनिंग एक बकरी पालक के रूप में या पशु पालक के रूप में? देखिए, हर इंसान आज कामयाब होने के लिए चाहत बढ़ा रहा है, तो जब तक आपके पास कोई अच्छा, मान लीजिए कोई दूसरा भी रोजगार कर रहे हैं, अगर ट्रेनिंग उस लाइन का आपको ट्रेनिंग नहीं है तो आप उसमें आपको जो है डूबने का 90% चांसेज रहता है। अगर आप प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं या मतलब बकरी फार्म है तो ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको इसमें मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगा, जीरो पर आ जाएगा। आज लोग जो बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारे रिव्यू पर है कि भाई बकरी 500 रखे हुए, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, मगर ये नहीं बताते हैं कि जब हम स्टार्ट किए थे तो हमारी 200 बकरियां मर गई थी। मृत्यु दर पे याद आया कि अभी आप बता रहे थे कि कोई आप पास में आपके थे जो आपको बुलाए थे? जी, बुलाए नहीं थे, वो हम मेरे पास आए थे और उनकी 10 बकरियां मर गई थी, 4 बकरियां बची हुई थी, 2 जाने पर लगी हुई थी। तो उनको जो है हम इलाज बताएं और अल्लाह ताला उनको जो है ठीक कर दिया। कितने दिनों में उनकी बकरियां? ये सर कहानी है सिर्फ 14 दिन के अंदर का। अच्छा जी, 14 दिन के अंदर में 10 बकरियां मर गई और जो है अब एक दिन नहीं मरी, एक दिन करके इस तरीके से मरी। तो उनको किसी तरह पता चला कि यहाँ पे फार्म चलता है, हालांकि उनका आने जाने का रास्ता यही है। जी जी। और वही हो गया चिराग तले अंधेरा। तो खैर बखैर उनको मदद करके उनको जानवर बचा दिया गया है। और ये मतलब व्यू से हम नहीं बचाए हैं कि कल ही हमसे खरीद देंगे, निस्वार्थ सेवा करिए। देने वाला तो कहीं से देगा, आप जहाँ से गुमान नहीं कर पाएंगे। हुआ क्या था उनकी बकरियों उनकी बकरियों को हुआ क्या था उनकी बकरियों को जो है PPR हो गया था, दस्त हो गया था। खैर बखैर इस दस्त पर भी हम काबू पा लेते हैं, मगर अगर वो हमको पहले बताते हैं। मान लीजिए बहुत सारा वैक्सीन होने के बाद भी इंसान में भी है कि वैक्सीन दे देने के बाद भी वो बीमारी आ जाती है। तो जब आ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करके आदमी वहाँ तक मुमकिन मदद करता है जहाँ तक सांस चले। सांस है तो आस है। अगर वो पहले आते तो हो सकता था कि हम अपने इल्म के बल पर, पढ़ाई के बल पर 90% रिकवरी में ला सकते थे, मगर सद अफसोस की बात है कि उनकी बकरी मर गई। तो क्या मतलब वैक्सीनेशन क्या कैसे दिया जाता है, क्या शेड्यूल होता है? शेड्यूल शुरू से मेंटेन किया जाता है। मान लीजिए हम भी बकरी बेचते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये ट्रेडर है, थोड़ा सा इसमें जोड़ देते हैं। तो हम फार्म से लाते हैं, न कि हम जो है हटिया पर से खरीद के लाए। अच्छा। अगर फार्म से हम भी जहाँ से ला रहे हैं जो शेड्यूल मेंटेन की करके हमको दिया है, तो जाहिर सी बात है कि 2 रुपया वो हमसे लिया है। और हम भी जो लाएंगे तो चराई पर जो ला के आपको जानवर देगा और हम जो देंगे उसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा, मगर इंशाल्लाह वो डिफरेंट आपका जानवर नहीं मर के मेंटेन कर देगा। अगर मान लीजिए 14 बकरी ठीक है वो कम रेट में खरीद के लिया है, मगर 10 बकरी मर गया तो क्या फायदा हुआ? सही बात है। अगर 14 के बदले में उनको 9 बकरी आता, अगर वो जीवित रहती तो उनका मनोबल भी बढ़ता। खरीदारी करिएगा गलत आदमी से, गाली बकिएगा। कितने नुकसान, कितने का नुकसान हो, कहाँ से खरीदे थे वो? ये दरभंगा से किसी ट्रेडर के हाथ से खरीदे थे, है ना। उनको बस बेच दिया, बोला कि भाई बीमारी हो रहा है, तो ट्रेडर बोला सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडर को खुद नहीं मालूम है कि कौन सा इलाज कब किया जाए, कैसे किया जाए। तो जब उसको तो काम है बस जानवर लाना और बेचना, तो वो असक्षम है बताने में। हाँ, लोग ठगता नहीं है, ठगाता है। आप गए आप फार्म से, पता है कि भैया की बकरी मान लीजिए 2000 महंगा पड़ रही है, अगला हमको 3000 कम में दे रहा है, तो आप 3000 से 14 को गुना कर लीजिए, सोचिए 50000 कम में लेके हम चले आए, तीर मार लिया, तीर क्या मारे, आपका सब जानवर दफन हो गया। तो क्या आप भी ठगाए हैं? हाँ, हम ठगाए थे शुरुआत में, ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी बस यही लालसा में ठगाए कि हमको 2 पैसा कम में मिला। हमको मुजफ्फरपुर का ही ठगा, मगर हम अफसोस की बात है कि हम नाम नहीं बता सकते हैं। अच्छा जी, मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ठगाने का चांस बना हुआ रहता है, लेकिन ट्रेनिंग संभाल भी देता है। मतलब छोटी नाव पे ट्रेनिंग लेने के बाद आप छोटी नाव पे या पतवार पे
वो कैसे आप सफर करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपका सोच। ट्रेनिंग आपने कहाँ से लिया? ट्रेनिंग सर हम उमेश कुमार पटना के जो है, हमारा नसीब अच्छा था कि अच्छे से उनसे भेंट हो गया और ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लिए थे उनसे। और सर जो है हमको मना भी कर रहे थे, मगर हम उस वक्त नए नए थे, अपना अकलमंदी दिखाया कि चलो भाई जानवर किन्ने में हम जंग जीत गए, मैंने 10-50 हज़ार हमने बचा लिया, मगर 50 हज़ार बचा क्या, 2 लाख रुपये का लॉस लग गया। अब मान लीजिए गलती को हम आपसे गलती कहाँ हुआ हुई है इस बात को आप मानिए, आप किसी को दोष मत दीजिए, हम अपने आप को दोष दे रहे हैं कि हम अपना अकलमंदी करके हम अपना नाव खुद डुबाए थे। तो क्या अब जो आपके साथ हुआ है वो नए किसानों के साथ नहीं हो? यही मेरा दुआ है कि अल्लाह जो है किसी भी इंसान को हमको उस वक्त सलामत रखे, हम किसी को ठगे नहीं। चलिए तो ये है फ्रेंड्स ट्रेनिंग की आवश्यकता, इसके इनसे हम ब्रीडिंग की भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और आगे क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले फ़ायदा क्या होता है ये जानना भी ज़रूरी है। नए किसानों को फ़ायदा क्या होता है और कितने से शुरुआत करें तो उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा? जी तो मेन सब्जेक्ट फ़ायदा वाला है, तो हम आपको बता देते हैं, अब इतना कम से भी स्टार्ट ना करिए कि आपका जो है फ़ायदा कुछ समझ में ना आवे। कम से कम एक जो है 10 रेशियो जो है कम से, अब जो है पैसे का अहमियत बहुत ख़त्म हो चुका है, लाख रुपया भी कुछ नहीं बुझाता है भी तो बहुत कुछ है। तो कम से कम जो है अगर 10 बकरियों से आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह रहमान 2 लाख रुपये आपको साल का शुद्ध मुनाफा सब खर्चा दर्चा छाँट करके आपको दे के जाएगी। अगर किसी भाई को शक है कि 2 लाख रुपये नहीं दे सकती है तो मेरे फार्म पर आके 1 साल पहले ड्यूटी करें, और ड्यूटी करने के बाद तब वो अपना खुद आंकड़ा लगा ले कि सर जो कह रहे हैं सही है या गलत है। मगर YouTube पर इसी तरह बयान दे देना कि ये सब फॉल्स बात है, तो भैया आप नहीं किए हैं, आप फॉल्स कह सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम जब कर रहे हैं तो क्यों नहीं बोले, एक रोज़गार हम दे रहे हैं। बिहार में कम बेकारी है, कम है, यहाँ के मजदूर जा कर के 20-20 घंटा धूप में जो है जलते हैं, अगर यहीं बकरी फार्म से 2 पैसा कमा लेते हैं तो काहे तकलीफ हो रहा है। पहले साल 2 लाख रुपया, पहले साल सबसे कम प्रॉफिट, दूसरे साल से तो फिर वो खुद बताएंगे कि कितना प्रॉफिट है। अच्छा, उनकी चेहरा बताता है, वो तो आपका चेहरा बता रहा है। बिल्कुल चेहरा बता, चेहरा बता रहा है। जब उसके बाद आदमी भूल जाता है कि प्रॉफिट नहीं बताना है। जगह कितना बोल? जगह हमारे जो नए फार्मर के लिए, हाँ, नए फार्मर के लिए जो है 30 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा ये बनाइए, ये आपको बनाने में मिनिमम 30-35 हज़ार लगेगा। अगर नहीं हो आपसे संभल रहा है 30-35 हज़ार में तो आप हमको बोलिए, हम यहाँ से जो है आपको जैसे जैसे बताएंगे हम आपका 30-35 हज़ार में बाड़ा बनवा देंगे। मतलब कि ये आपके साथ फुल सपोर्ट के साथ खड़े रहेंगे जब तक आप इस्टेब्लिश ना हो जाए। 24 घंटे में 16 घंटे इनका मोबाइल आपके लिए खुला रहेगा, बाकी 8 घंटा तो अपना पर्सनल लाइफ होता है। 12 भी बनवा देंगे, कितना आपको क्या क्या चाहिए, प्लस एक कीट होता है इनके पास, जब ये बकरियां यहां से जब देते हैं तो उसके साथ एक बॉक्स देते हैं जिसमें एक पर्ची होता है जिसमें किस बीमारी में कौन सी दवाई यूज होना है वो लिखा हुआ रहता है इनके हाथों से। तो इतनी मदद करते हैं आपके साथ, फिजिकली भी मेंटली भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी, जो अभी एक प्रिंसिपल समझे, एक प्रिंसिपल की उम्र क्या होगी, उस प्रिंसिपल को लोग ठग दिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक पढ़े लिखे आदमी को एक बकरी पालक ने, एक बकरी के ट्रेडर ने ठग दिया और 14 में से 10 बकरियां उनकी मृत्यु हो गई उन बकरियों की, जिन्हें इन्होंने जिसमें से 4 को इन्होंने संभाल लिया, इनकी ट्रेनिंग की वजह से संभाल लिया। तो अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, कंटिन्यू नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। और कोई भी डिसीजन लेने के पहले 3-4 लोगों से ज़रूर मिलें, उनसे बात करें, तब जाकर के कोई निर्णय लें, सिर्फ ये वीडियो देकर के निर्णय ना लें। ये तो बोल रहे हैं कि 1 साल आप मेरे यहाँ रहिए, सीखिए, देखिए, उसके बाद आप विश्वास कीजिए, विश्वास होता है तब आप लीजिए। तो फिर यही है, हम आपको लगातार बिहार में हो रहे विकास के बारे में, बिहार में रोजगार के अवसर के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्रसेन का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।